हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के मॉडल क्वेश्चंस का। ये सेट नंबर 5 है। आप लोगों ने अगर बाकी के वीडियो हम लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिए पहला सवाल क्या है कि पहला पूछ रहा है कि किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। देखिए भारत में सबसे पहला अगर भाषा के आधार पर कोई राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। तो वहाँ पे कौन सा भाषा बोला जाता था जिस वजह से उस राज्य का गठन किया गया, तो वहाँ पे बोला जाता था ऑप्शन नंबर 2 तेलुगु भाषा बोला जाता था। ठीक है, दूसरा देखते हैं भारत में देशी राज्यों की संख्या लगभग कितनी है। देशी राज्यों की संख्या भारत में कितने हैं, कितने थी की बात कर रही है। तो जो भारत आज़ाद हो रहा था उस समय, भारत आज़ादी के समय में भारत में कितने देशी रियासतें थे, देशी राज्य थे। तो ऑप्शन नंबर 1 565 थे। ठीक है, तीसरे नंबर में आ जाते हैं। तीसरा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन सी चुनौती विद्यमान नहीं थी। जब भारत विद्यमान नहीं थी पूछ रहा है कि कौन सी चुनौती, भारत जो आज़ाद हो गया, आज़ाद होते के समय हिंदू मुसलमान में दंगा भी हुए, भारत से मुस्लिम को दूसरा देश भेजा गया, फिर पाकिस्तान में जगह पाकिस्तान से हिंदुओं को भारत आना पड़ा, मतलब उसको शरणार्थी बन गए थे, अब बड़े समस्याओं से गुजरना पड़ा था। तो कौन सा चुनौती नहीं था बात कर रहा है, तो वो था ऑप्शन नंबर 1 विविधता में एकता स्थापित करने की। क्योंकि ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और चौथा नंबर देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस सिद्धांत के प्रति समर्पित थे। तो सिद्धांत अगर महात्मा गांधी के बोले जाते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सत्याग्रह भी थे और अहिंसा के सिद्धांत पर, ये दोनों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर देखते हैं भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो भारत में कैसी दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था, क्योंकि भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं तो बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। ठीक है, छठे नंबर में आ जाते हैं कि प्रथम पंचवर्ष योजना का वार्षिक दस्तावेज 1951 के किस महीने में जारी किया गया था। और तो पंचवर्ष योजना का प्रथम दस्तावेज 1951 के कौन से महीने में जारी किया गया, तो वो था ऑप्शन नंबर 3 नवंबर में। सातवां नंबर देखते हैं, सातवां नंबर क्या कर रहा है, देखिए सातवां नंबर सवाल देखते हैं। सातवां कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। अगर गलत कथन में बोले जाए तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाए, क्योंकि योजना आयोग भारतीय संविधान का अंग है, ये गलत है क्वेश्चन है, क्योंकि योजना आयोग भारतीय संविधान का अंग है ही नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवें नंबर में, आठवां नंबर क्या क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे। श्वेत क्रांति हम लोग 8 क्लास से 8 9 10 में पढ़ चुके थे, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, दूध के उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। चलिए आते हैं नौवें नंबर सवाल में। नौवें नंबर सवाल कह रहा है कि भारत ने सबसे पहले गुट निरपेक्ष रहने की घोषणा कब की थी। तो गुट निरपेक्ष रहने की घोषणा कौन से साल भारत ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 1946 में कहा था। दसवां देखते हैं, नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष आंदोलन का कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां सम्मेलन हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, 10 का ऑप्शन नंबर 1। 11 देखते हैं किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन 2 बार हो चुका है, यानी कि कौन सा शहर में है जहाँ 2 बार हुआ था, तो वो ऑप्शन नंबर 2 बेलग्रेड हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड में 2 बार बैठक हुआ था। 12 नंबर देखिए, 12 क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस तिथि को संपन्न हुआ था। तो शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। ठीक है, उसके बाद का सवाल क्या है, 13 नंबर देखते हैं कि 1999 के लाहौर घोषणा पत्र पर किन देशों के प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए थे। लाहौर घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करने वाले 2 देश कौन थे, तो भारत और पाकिस्तान थे, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 14 नंबर देखते हैं किस व्यक्ति ने 1959 में भारत में शरण की मांग की। देखिए भारत में शरण की मांग करने वाले कौन थे 1959 में, तो वो थे दलाई लामा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये 15 नंबर, 15वां नंबर में क्या कह रहा है, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। तो 1974 में जो रेल सर हड़ताल हुआ था बिहार में, उसके नेता कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 16 नंबर जाते हैं, 1974 में देश के किस सबसे बड़े उद्यम के कर्मचारीगण हड़ताल पर चले गए। तो कौन से उद्यम के हड़ताल, ये था रेलवे या जहाज रानी है, ऑप्शन नंबर एक रेलवे का कर्मचारी जो है 1974 में हड़ताल पर चले गए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 17 नंबर जाते हैं, आपातकाल लागू करने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 18 नंबर सवाल देखते हैं, 18 में है कि शाह आयोग का गठन किस लिए किया गया था। तो शाह आयोग का गठन किया गया था ऑप्शन नंबर 4, आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई, सत्ता का दुरुपयोग, अतिचार, कदाचार के विभिन्न पहलुओं को जांच करने के लिए, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
19 देखते हैं, महाराष्ट्र के दलित किस पार्टी का समर्थन कर रहे थे? जो महाराष्ट्र के जो दलित थे उस समय 19 नंबर में देखते हैं, 19 नंबर क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र के दलित किस पार्टी का समर्थन कर रहे थे, तो वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य की महिलाओं ने एकजुट होकर ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया था ये तो है बिहार, ऑप्शन बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश होगा सही आंसर, ठीक है। 21 नंबर आते हैं, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया? महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया था वो है, देखिए ये 73वां संविधान संशोधन भी हो सकता है, 74वां, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से संबंधित, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 22 देखते हैं कि सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब लागू किया गया? तो सूचना अधिकार ऑप्शन नंबर 1 2005 में आया था, ठीक है। 23 नंबर देखते हैं कि आर्थिक उदारीकरण की नीति की शुरुआत कब हुई? तो उदारीकरण नीति की शुरुआत का उदारीकरण इस समय 3 ऑप्शन नीति आए थे LPG, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति भारत में लाया गया था, तो वो कौन कब लाया गया था? 1990 के दशक में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर में क्या है, 24 है कि नर्मदा नदी के बचाव में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो नर्मदा नदी के बचाव, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 25 नंबर है बैकवर्ड एंड मॉनिटर क्या है देखते हैं कि 25 नंबर पर कह रहा कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन कब किया गया था, ठीक है, तो यह 25 का क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1978, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। 26 है मई 2004 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? 2004 का बात कर रहा है, 2004 में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आ जाते हैं 27 नंबर में, 27 में सवाल है कि भारत का निर्माण किस, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, ठीक है, क्या बोल रहा है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में होता, ऑप्शन नंबर देखिए ये वाला हो जाएगा 1971, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 28 नंबर, शीत युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 28 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये देखिए 1990, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, 29 नंबर, गुटनिरपेक्ष देशों के 15वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो 15वां शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष हुआ था, ठीक है, उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राउल कास्त्रो, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। 30वां नंबर सवाल देखते हैं, 30वां में क्या है कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अंत में जारी घोषणा पत्र में कौन सा मुद्दा छाया रहा? गुटनिरपेक्ष का जो बैठक हुआ था तो उसमें कौन सा मुद्दा छाया रहा था? तो वो ऑप्शन नंबर 4 था, आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा, ठीक है। 31 नंबर देखते हैं, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 32 देखते हैं, 32 क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व कितने गुटों बांट गए? तो दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ, तो उसके बाद शीत युद्ध शुरू हो गया था, उसमें पूरी दुनिया दो भागों में बांट गया था, एक तरफ था अमेरिका और एक तरफ दूसरी तरफ था सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दो गुटों में पूरा दुनिया बांट गया था। 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक सैनिक समझौता कहा जाएगा? सैनिक समझौता किसे कहा जा सकता है इसमें से? तो वो हो जाएगा वारसा पैक्ट, तीसरा नंबर वारसा पैक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में, 34 नंबर, 34 है सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोरबाचोव ने किस स्थिति को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? तो त्यागपत्र दे दिया यानी कि अपना पद छोड़ दिया, तो कौन सा साल था? वो 25 दिसंबर 1991 को इसने मिखाइल गोरबाचोव का अपना पद से त्यागपत्र दे दिया। 35 आ जाते हैं, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 36 देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्ष योजना का कार्यकाल क्या था? दूसरे पंचवर्ष योजना का कार्यकाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1956 से 1961। 55 नंबर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के कितने देशों को वीटो का अधिकार है? यानी कि वीटो पावर होता है 5 देशों को अधिक मिला हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 5 देश, ठीक है। 36 एक नंबरिंग में मिस्टेक हो गया है, आप लोग देखिएगा
37, 38, 39 से 40 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के कितने देशों को वीटो, ये तो हो गया है। ये देखते हैं, किस देश द्वारा वीटो का प्रयोग सबसे पहले सबसे अधिक बार किया, कौन सा देश ने वीटो पावर का सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया है, तो वो क्या हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन कितना है, 36, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36, 36 का ऑप्शन नंबर सही है, आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये है ऑप्शन अमेरिका, रुकिए तो देखो नंबरिंग देख रहे हैं, यहाँ पे 36 हो गया है, ये 37 है, ये 38, 39, 40, 56, ये 38 है, यानी कि वीटो का प्रयोग सबसे अधिक प्रयोग किसने किया है, तो किसने किया है, सोवियत संघ ने, ठीक है। ये 39 नंबर का सवाल है, 39 नंबर, और ये है 40 नंबर, तो 39 नंबर क्या कर रहा है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन से है, वो चिपको आंदोलन से संबंधित कौन सा नेता है, तो वो सुंदरलाल बहुगुणा है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। 40 नंबर सवाल देखते हैं कि शिक्षा का वैश्वीकरण किस यंत्र के द्वारा हो रहा है, वैश्वीकरण अगर शिक्षा का बात करें तो शिक्षा का वैश्वीकरण किस यंत्र के द्वारा हो रहा है, तो वो कंप्यूटर के द्वारा, क्योंकि आज के समय में क्या हो रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से बच्चे पढ़ ले रहे हैं, अरे घर में पढ़ ले रहे हैं, लॉकडाउन का समय बड़ा दिक्कत हुआ था, उस समय बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, तो ये रहे आपके सवाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।